पहुंची है कि लाशों को कंधा देने वाले नहीं मिल रहे हैं। नए हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर होगी किसी ने नहीं सोचा था। जौनपुर में बेचारे बुजुर्ग की पत्नी का देहांत हो गया, नाते रिश्तेदारों ने कंधा देने से मना कर दिया, साइकिल पर पत्नी का शरीर लाकर दफनाने ले जा रहे थे, बीच में गश खाकर गिर गए, फोटो वायरल हो गई, फिर पुलिस वालों ने कंधा दिया। मुस्लिम जमात को कोरोना बम कहते थे ना आप लोग, हिंदुस्तान की मेनस्ट्रीम देशभक्त मीडिया ने बिना सोचे समझे मुस्लिमों को कोरोना बम कहकर उनकी आत्मा को चोट किया, इंसानियत पर कोरोना का ठप्पा लगा दिया। तब ये बेशर्मी, ये नंगा नाच करने में देश की मीडिया को बहुत मजा आया था। मैं तो मिश्रा हूँ, मेरे पास तो मिश्रित ज्ञान है, प्योर पंडित हूँ, मुझे भी मजा आना चाहिए था। एक धर्म के लोगों को लुलुहाया जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था, लेकिन नहीं, मेरे देश के हिंदू भाई बहन सब देख सुन रहे थे। मीडिया की आत्मा मर चुकी थी, लेकिन हम भारतीयों में जिंदा थी। खैर, अब वही आपके जमात वाले जिनको हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया बेशर्मी से कोरोना बम कहती थी, वही मुस्लिम लोग समाज में सेवक बनकर सामने आए हैं। बात निकल आई है तो अभी का एक किस्सा बता देती हूँ। वीडियो बनाने से ठीक पहले हमारे पास एक खबर आई कि गोमती नगर में टोटल टीवी के पत्रकार का कोरोना से निधन हो गया, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं मिल रहा था। दिल्ली से लोगों ने ट्वीट किया, लखनऊ की 45 से 50 लाख की आबादी में एक भी आदमी या एक भी देशभक्त पत्रकार नहीं मिला जो कहता कि ठीक है पत्रकार की घर वाले लाश नहीं ले पा रहे तो भैया चलो हम जला देते हैं। सामने आया कौन? सामने आए सैयद रिजवान अहमद भाई। वो लाश वाली गाड़ी लेकर पहुंचे और भैंसा कुंड पर पत्रकार का अंतिम संस्कार किया। याद कीजिए, रिजवान अहमद पिछले साल वाले कोरोना बम है, जो मीडिया उनको कोरोना बम कह रहा था उसी मीडिया के पत्रकार का अंतिम संस्कार तब किया जब उनके अपने घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। यही क्यों बताने बैठी हूं तो और मस्जिद वाले और कोरोना बमों के बारे में सुनते जाइए, जो इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान के लोगों के लिए फरिश्तों की तरह काम कर रहे हैं। और मन ही मन पश्चाताप करिए कि पिछले साल आपने इन्हें कोरोना बम कहकर पाप किया था। ये चांद कुरैशी साहब हैं। जब लखनऊ में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मौत का भी सौदा करने वाले कालाबाजारियों ने 48,000 रुपए तक तय कर दी है, तब राहत इंसानियत ट्रस्ट चलाने वाले चांद भाई फ्री में ऑक्सीजन गैस भरकर हिंदुओं को दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। और ये कहना चाहता हूं, हम मुसलमान, हम जानते हैं कि मीडिया अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। हम मुसलमानों को इस मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अफसोस की बात हम नहीं करते। लेकिन दुश्मन इस्लाम मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए। और एक आर्टिकल आया था टाइम्स मैगजीन में 16 अप्रैल 1979 में, जिसमें क्रिश्चियन ऑथर लिखता है, एक क्रिश्चियन रिसर्चर लिखता है कि 150 साल में, सन 1800 से सन 1950 तक के इस 150 साल के दरमियान 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ। यानी हर रोज एक से ज्यादा किताब लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ इन 150 साल में। अभी 9/11 के बाद, 9 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हर रोज कई किताबें लिखी जा रही इस्लाम के खिलाफ। हम मुसलमान इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मिसाल लो, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? हम कह सकते हैं कि 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। जब तहकीक करते हैं कि कोई भी दावती मैगजीन है हिंदुस्तान में, वो कितनी तादाद में छपती है? आप हिंदुस्तान की दावती मैदान की मैगजीन लेंगे, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो या हिंदी हो, आप ये कह सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं सामाइन से, ऑडियंस से, कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दावती मैगजीन कितनी तादाद में छपती है और कौन सी है? हिंदुस्तान में दावती मैदान में कौन सी मैगजीन सबसे ज्यादा तादाद में छपती है? ट्राई कर सकते, गेस कर सकते? इस्लामिक वॉइस, उसकी तादाद है 12,000 से 15,000। जब अमेरिका गया था मैं तो वहां चंद साल पहले, एक मैगजीन है जो इसना निकालती है होराइजन, वो हर महीने छापती है
50,000 ये है मुसलमान मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है जोहाज विटनेसेस, मेनस्ट्रीम क्रिश्चियन नहीं है, एक ऑफशूट है, एक छोटा सा शाख है जो मेन क्रिश्चियंस कहते हैं ये क्रिश्चियन ही नहीं है। तो मेनस्ट्रीम क्रिश्चियंस कहते हैं जोहाज विटनेस ईसाई है ही नहीं, लेकिन वो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मैगजीन है उनकी वॉच टावर ये मैगजीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितनी तादाद में छपती है किताब? एक ईसाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफशूट है, मेनस्ट्रीम नहीं, एक शाख है, अक्सर क्रिश्चियन कहते क्रिश्चियन ने, आप गेस कर सकते हैं कितनी तादाद में छपती है किताब? कितनी तादाद में? लाख के आसपास, 1,00,000, लाख के आसपास भाई साहब कह रहे। कोई गेस कर सकता है कितनी तादाद में छपती है? मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, कोई कहता है लाख, कोई कहता है 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000 क्या होता है पता आपको? 2 मिलियन, 20,00,000, ये ऑक्शनिंग हो रहा है, 1 मिलियन, 2 मिलियन ऑक्शनिंग हो रहा है। ये वॉच टावर मैगजीन, इसकी तादाद छपने की है 37.1 मिलियन, 3,71,00,000, और ये हर महीने नहीं छपती, महीने में 2 बार छपती है, फोर्टनाइटली है। ये 4 कलर मैगजीन है, 4 कलर, इसकी क्वालिटी माशाल्लाह, 37.1 मिलियन हर 2 हफ्ते, अने हर महीने 74.2 मिलियन, हर महीने 7,42,00,000, 7,42,00,000। मुसलमान छापना तो दूर, सोच भी नहीं सकते है, छापने की बात दूर है, सोच भी नहीं सकते है। 74.2 मिलियन हर महीने, हर 2 हफ्ते 37.1 मिलियन। वही ऑर्गेनाइजेशन और एक मैगजीन छापती है, सिर्फ एक नहीं, अवेक, इसकी तादाद कितनी हर महीने छापती है? 35.754 मिलियन, अने 3,57,00,000 हर महीने छापती है वही ऑर्गेनाइजेशन। ये वॉच टावर छापती है 169 लैंग्वेजेस में, कितने? 169 लैंग्वेजेस में वॉच टावर, अवेक 81 लैंग्वेजेस में, 81 जबानों में छापती है हर महीने, और ये वॉच टावर 169 लैंग्वेजेस में हर 2 हफ्ते में छापती है। अक्सर ये किताबें फ्री बांटी जाती है, फ्री, नाम के लिए अगर खरीदने जाएंगे 2 रुपया, 2 रुपये की चाय भी नहीं मिलती आपको, छापने की कीमत कई ज्यादा। ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे तबलीग करने के लिए। हम मुसलमान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही हदीस में, सही बुखारी में, बल्लिगवाने वाला आया, प्रोपगेट इवन इफ इट बी 1 वर्स, अगर एक भी आयत आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, आप इसको दूसरे तक पहुंचाओ। ये क्रिश्चियन मिशनरी पूरा इस्तेमाल कर रहे मीडिया का, कई बार वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। एक बार एक पोस्टर मुझे मिला था, एक पैम्फलेट, ये बड़ा पोस्टर भी है, ये पैम्फलेट है। मैंने एक अरब शेख से पूछा, शेख क्या लिखा है, नजदीक वाले पढ़ सकते, क्या लिखा है? अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद। मैंने शेख से पूछा, यहां भी माशाल्लाह बहुत से लोग बैठे हुए माशाल्लाह, शेख मौलाना अल्लाह मोहम्मद। मैंने कहा शेख गौर से पढ़िए, फिर से कहा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गौर से पढ़िए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सब लोग बैठे, अरबी दान, दूर से तो कह रहे हैं गौर करके पढ़ेंगे तो लिखा है अल्लाह मोहब्बा, अल्लाह मोहब्बा,
गॉड इज लव, खुदा है प्यार। ये बाइबल का कोटेशन है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16। आम मुसलमान जब पढ़ेगा इसे चुमेगा, खीसे में डालेगा, चुमेगा। अल्लाह मोहम्मद, ये है लोग को बेवकूफ बनाना। ऐसा लिखा हुआ है कि आम मुसलमान अरबी दानी से अल्लाह मोहम्मद पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह मोहब्बा, खुदा है प्यार। ऐसे मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई है पोस्टर्स। दूसरा पोस्टर क्या लिखा है, रब्बाना, रब्बाना के बाद रब्बाना आतीना फिर दुनिया, फौरन हमें आदत है पढ़ने की, गौर से पढ़ेंगे लिखा है अब्बाना, आवर फादर, हमारे वालिद, हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाई नेम। पढ़ेंगे रब्बाना आतीना फिर दुनिया, रब्बाना ने अब्बाना, हमारे वालिद, डिसीट। कोशिश करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे, हक से इंसान नहीं आता है तो इंसान को बेवकूफ बनाना। ऐसे कई मिसाल है, आप अगर मेरे कैसेट देखेंगे डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म, अभी वक्त कम है तो कई मिसाल पेश कर सकता हूं मैं डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी प्रोडक्ट इज जीरो बट मार्केटिंग इज 100%। मार्केटिंग मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100%, प्रोडक्ट जीरो। इस्लाम प्रोडक्ट 100%, माशाल्लाह मार्केटिंग जीरो। प्रोडक्ट हमारा दीन जो है माशाल्लाह 100%। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, सिर्फ दीन जो सही दीन है अल्लाह के नजदीक वो इस्लाम। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते, हमारे रसूल के पैगाम पे अमल नहीं करते। अल्लाह के रसूल फरमाते बल्लिगो अन्नी वलो आया, कि आप एक भी आयत जानते इस्लाम के बारे में उसे फैलाओ, लेकिन हम मुसलमान नहीं फैलाते। क्यों? आप क्रिश्चियन मिशनरीज को देखेंगे, अगर आप जानते जिमी स्वैगैट के बारे में, जिमी स्वैगैट जिसने शेख अहमद दीदात के साथ मुनाजरा किया था, उसका खर्चा एक साल में उसको कम से कम $400 मिलियन चाहिए, हर रोज $1 मिलियन से ज्यादा उसका खर्चा है, 5 करोड़ रुपये से ज्यादा हर रोज खर्चा है उसका दावा करने के लिए, 5 करोड़ से ज्यादा हर रोज, जिमी स्वैगैट। और ऐसे अमेरिका में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका दिन का खर्चा $1 मिलियन से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। मैं सारी दुनिया में कोई भी दावती इस्लामिक इदारे को नहीं जानता हूं मेरे इल्म में जो 10% भी ये खर्चा करता है, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह आलम। मैं एक सैकड़ों दावती ऑर्गेनाइजेशन में जा चुका हूं, कोई भी दावती ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में नहीं जानता हूं जिसका खर्चा 10% भी है, मैं नहीं जानता। आप देखते हैं कि मीडिया, आज जैसा मैंने कहा कि मीडिया अक्सर हमारे उलमा कहते हैं कि मीडिया से बचो, और मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। और सबसे मशहूर मीडिया आज की तारीख में है वो है टेलीविजन। इस टेलीविजन पे अच्छाइयां भी बुराइयां भी है, लेकिन बुराइयां ज्यादा है। हमारे उलमा, हमारे शेख, हमारे दानिश्वर कहते मीडिया से बचो, मैं उनके साथ हूं। आज की तहकीक ये कहती है कि 20,000 से ज्यादा चैनल्स है, इसका बजट है $400 बिलियन। सिर्फ अमेरिका में 2,000 से ज्यादा चैनल है, उसमें 100 से ज्यादा क्रिश्चियन चैनल है। यूके में कितने चैनल है, सारी दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन चैनल्स है, ईसाई चैनल्स है, हिंदू चैनल्स है, जैन चैनल है। हमें मानना पड़ेगा 99% जितने भी सैटेलाइट चैनल्स है हराम है, मानना पड़ेगा 99% से ज्यादा जितने सैटेलाइट चैनल्स है हराम है, ऑब्सिनिटी है, उरियानियत है, इस्लाम के खिलाफ है, वाहियातपना है, पोर्नोग्राफी है, हराम है, मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारे स्कूल में जो भी एडमिशन लेता है उसके घर में केबल टीवी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर इस मीडिया को जो गलत चीज फैलाती है, क्यों ने उसे सही चीज में तब्दील करें? हम अगर देखेंगे क्रिश्चियन चैनल सैकड़ों है,
सिर्फ हिंदुस्तान में, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कई चैनल्स है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, और सबसे फेमस चैनल दुनिया में गॉड टीवी। गॉड टीवी 1995 में शुरू हुआ था, उसका बजट मैं नहीं कहूंगा बहुत है, 15 सैटेलाइट्स पे आता है। मुस्लिम सैटेलाइट चैनल कितने हैं? सबसे पहला इकरा 1998 में, आज मेरी तहकीक के हिसाब से 50 इस्लामी चैनल भी नहीं है और 30 से ज्यादा अरबी चैनल है। अरबी चैनल मतलब दाऊदी नहीं, इस्लाह कर रहे अरबों के साथ, अच्छा काम कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दाऊदी मैदान में नहीं है। हार्डली 10 या 15 मुस्लिम चैनल होंगे सारी दुनिया में जो गैर अरबी जबान में है। हम मुसलमान बहुत पीछे है, मीडिया के लिहाज से बहुत पीछे है। हमें ये मीडिया जो इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है, हमें इसे दावती मैदान में बदलना चाहिए। और 3 साल पहले मैंने अंग्रेजी में ये मौजू पे तकरीर की थी दुबई में, जब शेख मोहम्मद राशिद अल मक्तूम, जब उन्होंने मुझे बुलाए थे, दावत दी थी होली कुरान इंटरनेशनल अवार्ड जो उनका होता है सालाना, दुबई में तकरीर की थी 2005 में अक्टूबर में। और उस वक्त माशाल्लाह लोग कहते थे दुबई में सबसे बड़ा मजमा था, 11,000 लोग थे दुबई में, 4,000-5,000 डांस के लिए आते, लेकिन इस्लामिक तकरीर के लिए 11,000 सबसे बड़ा मजमा था। तकरीर किया था मीडिया एंड इस्लाम वॉर ऑफिस, और मैंने कहा कि मीडिया इस्लाम के खिलाफ जंग कर रही है, लेकिन इस्लाम मीडिया से अमन करना चाहता है, और इस अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने बाद जनवरी 2006 में एक नया चैनल वजूद में आया जिसका नाम है पीस टीवी। अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल वजूद में आया, जो 2/3 हिस्सा 2/3 अंग्रेजी में है और 1/3 उर्दू में है, 1/3 हिस्सा। और हमने अल्लाह सुभान अल्लाह दुआ की, चैनल शुरू करना तो मुश्किल है लेकिन शुरू करने के बाद कुरान और हदीस पे चलाना और मुश्किल है। अल्लाह सुभान अल्लाह से दुआ की थी मैंने कि अगर चैनल को कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चला सकूं तो बंद करना बेहतर है। ये अल्लाह सुभाना व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल होने आ रहे हैं और अल्लाह सुभाना व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इस्लामिक सैटेलाइट चैनल सारी दुनिया में वो है पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। जुलाई तक के 3-4 महीने तक के सारे दुनिया में था, सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं था, क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम है, उर्दू जानने वाले नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से हमने उस इलाके को भी कवर किया। और आज हम सारे दुनिया में जो भी इंसान चाहता है अगर डिश लगाएगा तो इस चैनल को देख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल इस्लामिक चैनल आज के तारीख में है पीस टीवी। हमें कई कंप्लेंट्स आए जो उर्दू नहीं जानते, कहने लगे ये उर्दू में क्या बीच में तकरीर आती है, हमें समझता नहीं, ये उर्दू को निकाल दो। उर्दू जानने वाले कहने लगे ये क्या अंग्रेजी में बीच में आता है, हम अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी को निकालो। हम दोनों के बीच में पिस गए, चंद लोग जो उर्दू अंग्रेजी जानते वो खुश थे। उस तकरीर के, दुबई के तकरीर के बाद 3 महीने बाद पीस टीवी वजूद में आया, और हम अल्लाह से दुआ करते इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 6 या 8 महीने बाद मई जून या जुलाई में 2009 में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक नया चैनल पीस टीवी उर्दू इंशाअल्लाह वजूद में आएगा। ताकि हम दोनों की दुआ ले सके, उर्दू वाले भी खुश होंगे, ये उर्दू चैनल 100% उर्दू रहेगा और पीस टीवी सिर्फ 100% अंग्रेजी में रहेगा, और दोनों 24 आवर्स इंशाअल्लाह सैटेलाइट। शुरुआत में इस दुनिया के 70% हिस्से में मौजूद रहेगा, और कुछ महीने में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि पीस टीवी उर्दू भी सारी दुनिया में दिखाई पड़े, चाहे अमेरिका हो,
चाहे यूके हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करता हूं कि जो भी हमारी छोटी सी कोशिश है, इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए और हम नाचीज जो ना आलिम है ना मौलाना है, सिर्फ एक छोटा सा मुबल्लिग हूं, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। और माशाल्लाह लाखों लोग मौजूद है इस मैदान में और करोड़ों लोग पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारे लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह ऐसे कई चैनल वजूद में आए जो इस्लाम का सही पैगाम दुनिया में फैलाएं। और इस बात के साथ मैं तकरीर को ख़त्म करता हूं कुरान शरीफ की उस आयत के साथ जिससे मैंने तकरीर को शुरू किया था, सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ौका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो चुका है और बातिल को खत्म होना ही है। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।